देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते आज की कुछ खास खबरें। 47 गांव में शराब मुक्त चुनाव, ग्रामीणों ने लिया संकल्प, शराब पीकर नहीं करेंगे मतदान। एटापल्ली विधानसभा चुनाव शराब मुक्त करने के लिए आदिवासी बहुल एटापल्ली तहसील के कई गांव में संकल्प लिया जा रहा है। अब तक 47 गांव के लोगों ने गांव में सभा लेकर चुनाव शराब मुक्त करने का निर्णय लिया है। गांव-गांव में रैली निकालकर जन जागृति की जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान गांव में शराब नहीं आने देने और शराब पीकर मतदान नहीं करने का संकल्प ग्रामीणों ने बैठक में लिया। शराब सहित 78,200 का माल जब्त। वर्धा कुछ दिन के पश्चात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए शराब की मांग बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बोरगांव मेघे के बत्रा लेआउट वार्ड क्रमांक 4 में पुलफेल निवासी मंगेश संजय प्रधान के यहाँ छापा मारा। छापे के दौरान लोहे के ड्रम तथा पतीले में देशी महुआ शराब पाई गयी, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब व अन्य साहित्य समेत कुल 78,200 का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। गणेशपुर कोरम्बी सड़क बदहाल, क्षेत्रवासियों ने की दुरुस्ती की मांग। भंडारा जिले में शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत काफी खराब है। सड़कों से चलना दूभर हो रहा है। सड़कों की वजह से कई बार लोगों को दुर्घटनाओं का भय सताता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।